गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त किरण और आज फिर से आपके लिए लेकर के आई हूं एकदम ब्रांड न्यू वीडियो। और आज का स्पेशल ट्यूटोरियल है ब्राइडल मेकअप, और वह भी साउथ इंडियन ब्राइडल लुक। तो अगर आप साउथ इंडियन ब्राइडल लुक देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आज का ये लुक जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी वे में बताया गया है। और आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज का लुक ट्राई करने के लिए सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है गुड वाइब्स का बहुत ही बढ़िया वाटरमेलन जेल है, जिसकी मदद से अपने पूरे फेस को मॉइस्चराइज करते हैं। इससे हमारा फेस लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेट रहेगा और पैचेस नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से अपने फेस पे, गर्दन पे, सभी जगह इसको लगा के अच्छे से मॉइस्च कर ले। अब चलते हैं अपने प्राइमर की ओर। तो यहाँ पे NYBE का प्राइमर लिया है। तो प्राइमर अपने फेस में जरूर लगाएं अगर आप कोई भी हैवी मेकअप कर रहे हैं, लॉन्ग लास्टिंग वाला मेकअप कर रहे हैं। प्राइमर क्या करता है, आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट करता है और साथ के साथ ही फाउंडेशन और आपके फेस में एक के बीच में एक लेयर बना देता है। ब्लू हेवन का यहाँ पे हमने लिया है, बहुत ही बढ़िया सा हमारा जो है फाउंडेशन है। तो हर टोन के स्किन के हिसाब से हमने फाउंडेशन कंसीलर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो पूरे फेस पे इसको काफ़ी अच्छे से डॉट डॉट करके लगाएं और ब्यूटी स्पंज की मदद से काफ़ी अच्छे से डैब डैब करके इसको ब्लेंड करना ना भूले। साथ के साथ ही गर्दन पे लगाना ना भूले, जिससे फेस और गर्दन का कलर अलग ना लगे। मार्स का स्टूडियो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कंसीलर पैलेट है। तो कंसीलर पैलेट यहाँ पे हम अपने सेंटर ऑफ फेस पे, जैसे कि अपने आंखों के नीचे काले घेरे जहाँ पे डार्क सर्कल है वहाँ पे लगाते हैं, फोरहेड पे, अपने होंठ के चारों साइड वहाँ पे लगाते हैं और काफ़ी अच्छे से इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करेंगे। तो डैब डैब करके ब्लेंड करें और इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे हम मर्ज करेंगे, बहुत ही अच्छे से फिक्स करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर से। NYBE का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। यहाँ पे आप ट्रांसलूसेंट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका फाउंडेशन कंसीलर बिल्कुल भी क्रीज नहीं होगा और मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और देखने में बहुत ही बढ़िया होगा, वाटर प्रूफ होगा, स्वीट प्रूफ होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है बहुत ही सुंदर हमारा जो है प्रो पोमेड है, जिसमें हम ब्राउन शेड ले रहे हैं। तो थोड़ा सा डीप करके, डार्क करके काफ़ी अच्छे से लगाएं, ब्राइडल मेकअप है इसलिए सुंदर दिखना चाहिए, तो काफ़ी अच्छे से हम लगा लेते हैं। और उसके बाद एले गर्ल का यहाँ पे हमने लिया है आई शेडो पैलेट। तो इसमें से सबसे पहला शेड हम लेंगे यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा, आईब्रो को यहाँ पे हमने कॉम करना था, कॉम कर लिया है। तो सबसे पहले हमने ट्रांजिशन कलर लिया है। ट्रांजिशन कलर को काफ़ी अच्छे से अपने आईलिड पे, क्रीज लाइन पे लगा करके और फ्लफी ब्रश की मदद से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे, जिससे एजेस वगैरह ना दिखे और लुक भी बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लगे। और दूसरा कलर हमने लिया है दोस्तों, यहाँ पे हमारे साड़ी का जो लुक है वो ब्लू है, क्योंकि हमारा अक्सर स्काई ब्लू होता है, इस तरह का लुक होता है। तो काफ़ी अच्छे से इसको लगाएंगे। लगाने के पहले यहाँ पे क्या करें, थोड़ा सा आप ट्रांसलूसेंट पाउडर अपने आंखों के नीचे लगा सकते हैं, जिससे जितने भी फॉल्स वगैरह होंगे वो उसके ऊपर होगा और उसको बाद में आप क्लीन कर लीजिएगा। तो सेम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे हम ब्लू कलर लेंगे और आउटर कॉर्नर पे यहाँ पे इसको काफ़ी अच्छे से लगाएंगे। दूसरा शेड यहाँ पे हमने लिया है मार्स के स्टूडियो पैलेट में से, जो कि हमारा जो सिमर गोल्ड शेड है। तो अंदर वाला जो हमारा जो आंखों का कॉर्नर होता है वहाँ से मिडिल वाले एरिया तक लगाएंगे। तो जब तक आपको डिजायर कलर नहीं मिलता तब तक आप इसको लगाएं और उसके बाद दोनों कलर को काफ़ी अच्छे से स्मज करेंगे, ब्लेंड करेंगे, ताकि बिल्कुल भी दोनों कलर अलग अलग न दिखे, एक जैसा लुक आए। यहाँ पे हम लेते हैं लाइनर के लिए, हमने लिया है दोस्तों जेल आईलाइनर है। तो अगर आपको लाइनर लगाने में प्रॉब्लम होती है तो जेल आईलाइनर जरूर ट्राई कीजिएगा। आप यहाँ लिक्विड लाइनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोअर लैशन पे भी सबसे पहले हम ट्रांजिशन कलर लगाएंगे, आउटर कॉर्नर पे हम लगाएंगे ब्लू कलर और इनर कॉर्नर पे लगाएंगे हम यहाँ पे हमारा जो गोल्ड शिमर वाला था वो लगा लेते हैं, जिससे हमारे आंखों का लुक जो है बिल्कुल ब्राइडल वाला आएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है ट्रेडिशनल लुक के लिए ब्लैक कलर का हम लेते हैं। यहाँ पे हमारा काजल है, जिससे हमारा लुक जो है बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लगेगा। डीप ब्लैक कलर है, काफ़ी अच्छे से अपने वाटरलाइन एरिया पे इसको हम लगा लेते हैं। अब अपने फेस पे वापस से आते हैं। फेस पे हमने लिया है मैबलिन का बहुत ही बढ़िया हमारा कंटूर पैलेट है। तो अपने फेस पे कंटूर जरूर करें दोस्तों, कंटूर करने से आपका फेस सुंदर दिखता है, फेसों का जो है जो वॉर्म्थ ऐड होता है, आपके फेस का शेप हो जाता है, मोटा है, बल्गी है, तो जरूर करें कंटूर। कंटूर करने से आपका फेस सुंदर लगता है। उसके बाद यहाँ पे हमने ब्लश लिया है, जो कि बहुत ही सुंदर ब्लश है, ये स्विस ब्यूटी का है, तो ब्लश लगा लेते हैं। और उसके बाद हमने लिया है हाइलाइटर। तो हाइलाइटर के लिए यहाँ पे हमने मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर लिया है। तो काफ़ी अच्छे से हमारे जितने भी हाई पॉइंट्स है वहाँ पे लगाएं और काफ़ी अच्छे से इसको ब्लेंड आउट करें। आंखों के कॉर्नर पे और साथ के साथ ही ब्रो बोन्स पे जरूर लगाएं, इससे आपके आंखों का सुंदर लुक आएगा और बहुत ही खूबसूरत सा इफेक्टिव सा लुक क्रिएट होगा।
यहाँ पे हमने लिया है एसक्यू का बहुत ही सुंदर सा हमारा लिपस्टिक है जिसमें 12 शेड्स होते हैं। तो हमारे साड़ी में बॉर्डर में जो है पिंक है, तो इसलिए यहाँ पे हम पिंक वाला शेड लेते हैं जो कि दुल्हन को और भी सुंदर और खूबसूरत लगेगा। और लास्ट में इस मेकअप को फिक्स करेंगे लॉरियल का इन्फ्लेमेबल मेकअप फिक्सर से हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होने के लिए, और थोड़ा सा इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो बस इस तरीके से जो है दोस्तों आप अपना ज्वेलरी और जो भी गहने वगैरह पहनना चाहते हैं साउथ इंडियन वाले वो पहने, साड़ी हमेशा सिल्क का पहने तो लुक और भी उभर के और खूबसूरत दिखेगा। देख सकते हैं कितना सुंदर और बहुत ही खूबसूरत लुक आया हुआ है, गोल्ड का कॉम्बिनेशन, ब्लू का कॉम्बिनेशन, आंखों का लुक बहुत ही प्यारा। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आप इस तरीके का लुक क्रिएट करना चाहते हैं, साउथ इंडियन ब्राइडल लुक करना चाहते हैं, तो बहुत ही इजी वे में अपने आप को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। तो अच्छा लगे आज का वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। आप सबसे फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून।